हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई क्लासेस ऑफ मिनी अटेम्प्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्लीन के बारे में, जो कि एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्प्लीन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्लीन। इट मीन्स स्प्लीन होती क्या है, हम ये जानेंगे इस लेक्चर में कि स्प्लीन होती क्या है, स्प्लीन का बॉडी में वर्क क्या है, किस जगह लोकेट रहती है, इसका साइज, शेप, कलर, इन सारी चीजों को हम विद डायग्राम आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। जो स्प्लीन है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। नेक्स्ट, इट रिमूव ओल्ड ब्लड सेल्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर हम देखें तो जो RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो मैच्योर होने के बाद आफ्टर 120 डेज ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम हमारी स्प्लीन का होता है। नेक्स्ट, इट रिमूव ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। जो स्प्लीन है उसका एक फंक्शन ये भी होता है कि स्प्लीन हमारी ओल्ड RBC को, जिनके 120 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, उन RBC को डिस्ट्रॉय करने का काम ये हमारी स्प्लीन करती है, इसलिए इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो स्टोर ब्लड। जो स्प्लीन है वो हमारी बॉडी में एज ए ब्लड बैंक वर्क करती है, जैसे ब्लड बैंक में हम ब्लड को स्टोर रखते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्लड को स्टोर करने का काम स्प्लीन का होता है। विच कैन वैल्यूएबल इन हेमरेजिक शॉक। जब पेशेंट में हेमरेजिक शॉक की कंडीशन आती है, हेमरेज मींस होता है ब्लड का बह जाना, तो जब एक्सीडेंट के केस में या किसी भी कारण से ड्यूरिंग सर्जरी अगर ब्लड मरीज में बह जाता है तो हेमरेजिक शॉक होगा, तो उस स्थिति में हमारी स्प्लीन ने जो ब्लड इकट्ठा किया है उसको हम रीयूज करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए हम इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जनरल फीचर्स ऑफ स्प्लीन। तो स्प्लीन के अगर हम जनरल फीचर्स की बात करें तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे उसकी शेप। जो स्प्लीन है उसकी शेप होती है विज शेप या टेट्राहेड्रल शेप। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो स्प्लीन है उसकी शेप कैसी होती है, विज शेप या टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर? नेक्स्ट, लोकेशन। तो स्प्लीन की लोकेशन है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन बिटवीन 9 to 11 रिब्स। हमारी एब्डोमिनल कैविटी के 9 जो रीजन्स हैं, उन रीजन्स में से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन, इन दो रीजन्स को ये ऑक्यूपाई करती है। इन दोनों में भी हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, उसको ये मेनली ऑक्यूपाई करती है एंड एपिगैस्ट्रियम रीजन को ये पार्शियली ऑक्यूपाई करती है। अगर हम देखें ये कौन कौन सी रिब्स के बीच में होती है, तो ये होती है 9 to 11 रिब्स, इन बिटवीन 9 to 11 रिब्स। क्लियर? नेक्स्ट, कलर। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं स्प्लीन का कलर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, डार्क पर्पल। तो हमारी जो स्प्लीन है उसका कलर कैसा होता है, डार्क पर्पल। नेक्स्ट, अब बात आती है इसके वजन की, यानी इसका वेट। इसका वेट अगर हम देखें तो एवरेज वेट होता है 200 ग्राम्स। स्प्लीन का एवरेज वेट होता है 200 ग्राम्स, ये होता है नॉर्मल। जब ये ब्लड को स्टोर कर लेती है तो उस समय इसका जो वजन है वो लगभग 400 से लेकर के 600 ग्राम तक हो जाता है। कितना होता है, 400 से लेकर के 600 ग्राम तक एवरेज। क्लियर? नेक्स्ट आती है साइज की बात। तो साइज कितना होता है इसका, इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर या इंचेस में 5 इंचेस, विथ इसकी होती है 7 सेंटीमीटर या 3 इंचेस, और इसकी थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर या 1 इंचेस। क्लियर? तो हमने बात की जनरल फीचर्स की, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। अब ये जनरल और एक्सटर्नल में अंतर क्या है, जनरल फीचर्स का मतलब हो गया उसका साइज, शेप, वेट, लोकेशन, लेकिन एक्सटर्नल फीचर्स में हम बात करेंगे कि अगर हम स्प्लीन को बाहर की तरफ से देखते हैं, एक्सटर्नली अगर उसकी स्टडी करते हैं, उसकी एनाटोमी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो स्प्लीन के अंदर हमें एंड्स, 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेस एंड विसरल इम्प्रेशंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें 2 एंड्स होते हैं। नंबर 1 एंड होता है एंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर एंड।
इसमें तीन बॉर्डर होते हैं स्प्लीन में, सुपीरियर, इन्फीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर। दो सरफेस होती हैं, टू सरफेसेस, डायफ्रामेटिक एंड विसरल सरफेस। इसमें फाइव विसरल इंप्रेशन होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, कॉलिक इंप्रेशन, पैनक्रियाटिक इंप्रेशन एंड हाइलम। तो ये सभी इंप्रेसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। ये बात हो गई एक्सटर्नल फीचर्स की। तो अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में, दो एंड किधर होते हैं, कहाँ होते हैं, बॉर्डर कहाँ होते हैं, कैसे ये लोकेट होते हैं, सरफेस कौन सी हैं, विसरल इंप्रेशन होते कहाँ हैं, इनको विद डायग्राम ऑफ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू एंड्स की। तो स्प्लीन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया दो एंड होते हैं, एक एंटीरियर एंड और एक पोस्टीरियर एंड। तो जो एंटीरियर एंड है वो क्या होता है और कहाँ होता है? इट इज एक्सपेंडेड एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये एक्सपेंडेड मीन्स चौड़ा एंड होता है, एंटीरियर एंड जो कि डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है। तो आप इस डायग्राम में बड़ी क्लियरली देख सकते हैं, एक तो ये चौड़ा है, अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर वाली जो सरफेस है उससे अगर हम देखेंगे तो नीचे वाला जो एरिया है यानी एंटीरियर एंड है वो काफ़ी चौड़ा है, माने फैला हुआ है, एक्सपेंडेड है। और ये हमेशा याद रखिएगा, इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, किधर की तरफ, डाउनवर्डली। एंड फॉरवर्ड इट रीचेस टू मिड एक्सिलरी लाइन, और ये मिड एक्सिलरी लाइन तक ये पहुंचता है। नेक्स्ट पोस्टीरियर एंड, इट इज राउंडेड एंड डायरेक्टेड अपवर्ड। तो आप इसको देख सकते हैं ये बिल्कुल राउंडेड है, गोल है, और ये किधर की तरफ होता है, अपवर्ड। तो इसमें लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी या पोस्टीरियर एंड जो कि राउंडेड और अपवर्ड है, एंड बैकवर्ड एंड रेस्ट ऑन अपर पोल ऑफ किडनी, और ये अपर पोल ऑफ किडनी की तरफ होता है, जो हमारी किडनी है उसका जो अपर पोल है उसकी तरफ होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, थ्री बॉर्डर्स। तो हमारी स्प्लीन में तीन बॉर्डर्स होते हैं, थ्री बॉर्डर्स होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर, एक इन्फीरियर बॉर्डर और एक इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो सबसे पहले सुपीरियर बॉर्डर, इट इज प्रेजेंट ए नॉच नियर द एंटीरियर एंड। अगर हम एंटीरियर एंड की तरफ देखें तो ये आप देख सकते हैं एक नॉच है इधर, ये नॉच, नॉच मीन्स क्या होता है, नॉच मीन्स होता है सम डिप्रेशन, ये कुछ डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर बॉर्डर। तो ये ऊपर वाला जो बॉर्डर है ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया। बात आती है इन्फीरियर बॉर्डर की, जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो राउंडेड होता है, तो आप देख सकते हैं राउंडेड है। एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर, जो इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है वो राउंडेड होता है और डायरेक्टेड राइट साइड, और ये किधर की तरफ होता है, राइट साइड की तरफ होता है और राउंडेड होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर। क्लियर? तो तीन बॉर्डर हैं इसमें, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। चलिए नेक्स्ट, टू सरफेस। तो पहली सरफेस आती है डायफ्रामेटिक सरफेस, जो कि कॉनवेक्स और स्मूथ होती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये कैसी है, स्मूथ सरफेस है, ये वाली स्मूथ सरफेस है और कॉनवेक्स होती है, कॉनवेक्स मीन्स उभरी हुई होती है। सेकंड, विसरल सरफेस। तो ये जो विसरल सरफेस होती है वो कैसी होती है, वो कॉनकेव होती है एंड इररेगुलर सरफेस होती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये विसरल सरफेस जो कि कॉनकेव है, धसी हुई है और ये रेगुलर नहीं है, जैसी डायफ्रामेटिक सरफेस है उसकी तरह ये रेगुलर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, विसरल इंप्रेशंस। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी जो स्प्लीन है उसके ऊपर कौन कौन से ऑर्गन्स उससे अटैच होते हैं, उसके लिए वहाँ पर जगह होती है, इंप्रेशंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रिक इंप्रेशन, जो गैस्ट्रिक इंप्रेशन है वो किसके लिए होती है, फंडस और स्टमक, फंडस एंड स्टमक। तो ये स्टमक के ही फंडस पार्ट और पूरे फुल स्टमक के लिए ये गैस्ट्रिक इंप्रेशंस होते हैं। नेक्स्ट, रीनल इंप्रेशन फॉर लेफ्ट किडनी, जो हमारी लेफ्ट किडनी है उसके लिए हमारी स्प्लीन के ऊपर रीनल इंप्रेशंस होते हैं। कोलिक इंप्रेशन किसके लिए होते हैं, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, जो कोलन का स्प्लीनिक फ्लेक्सर है उसके लिए कोलिक इंप्रेशन। टेल ऑफ पैनक्रियास के लिए पैनक्रियाटिक इंप्रेशन, ये सभी इंप्रेशंस होते हैं। साथ में आता है हाइलम, तो ये हाइलम क्या होता है, इट लाई ऑन इन्फीरियो मीडियल सरफेस, ये इन्फीरियो मीडियल सरफेस पर होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्प्लीनिक वेसल्स एंड नर्व वेसल्स। हाइलम क्या है, हाइलम एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी जगह होती है ऑर्गन में जहाँ से मोर देन वन स्ट्रक्चर्स एंट्री या एग्जिट करती हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स में या तो ब्लड वेसल्स आती हैं या नर्व वेसल्स आती हैं। क्लियर? चलिए तो हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखेंगे
जो विसरल इंप्रेशन हैं स्प्लीन के, तो ये वाला जो इंप्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की साइड, इसको हम गैस्ट्रिक इंप्रेशन कहते हैं, जो फंडस ऑफ स्टमक के लिए है। ये वाला जो इंप्रेशन है, ये वाला, ये रीनल इंप्रेशन है किडनी के लिए, लेफ्ट किडनी के लिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो जगह है, ये जो इंप्रेशन है, वो पोस्टीरियर या पोजीशन ऑफ टेल ऑफ पेनक्रियास किसके लिए होती है, टेल ऑफ पेनक्रियास के लिए। और ये लास्ट में आप देख सकते हैं, ये जो इंप्रेशन है, ये होता है कॉलिक इंप्रेशन, माने हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के स्प्लीनिक फ्लेक्सर के लिए। क्लियर? तो इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या देखा, इंप्रेशंस के बारे में। नेक्स्ट बात आती है रिलेशंस की, तो जो हमारी स्प्लीन है उसके कौन कौन से रिलेशंस होते हैं या कौन कौन से ऑर्गन इसके साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिटोनियम रिलेशन, द स्प्लीन इज कवर्ड बाई पेरिटोनियम, जो स्प्लीन है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। मोस्टली आप जानते हैं कि जितने भी ऑर्गन्स हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं वो सभी पेरिटोनियम से कवर्ड रहते हैं। तो उसी तरीके से ये भी एक एब्डोमिनल ऑर्गन है स्प्लीन, जो कि पेरिटोनियम से अटैच होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट, पहला क्या है, गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट। दूसरा इसका रिलेशन है लीनोरीनल लिगामेंट, और तीसरा है फेनरिकोकोलिक लिगामेंट। तो ये तीनों ही पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं, पेरिटोनियम से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसलिए ये पेरिटोनियल रिलेशंस कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट विसरल रिलेशनशिप, विसरल, विसरा मीन्स ऑर्गन। तो कौन कौन से ऑर्गन से रिलेट करता ही है हमारी ये स्प्लीन, तो एक तो करती है फंडस ऑफ स्टमक, जो स्टमक का फंडस है उससे, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी के एंटीरियर सरफेस से, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, कोलन के स्प्लीनिक फ्लेक्सर से, और टेल ऑफ पेनक्रियास। क्लियर? यानी हमारे स्टमक से, हमारी लेफ्ट किडनी से, स्प्लीनिक फ्लेक्सर से और टेल ऑफ पेनक्रियास, इन सभी से हमारी स्प्लीन का विसरल रिलेशनशिप होता है। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है सप्लाई ऑफ स्प्लीन, जो हमारी स्प्लीन है उसको कौन कौन सी आर्टरी, कौन कौन सी नर्व सप्लाई देती हैं। तो आर्टरियल सप्लाई स्प्लीनिक आर्टरी देती है, जो कि कोलियक आर्टरी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? कोलियक आर्टरी की। फिर बात आती है वीनस सप्लाई की, तो वीनस सप्लाई होती है इसकी स्प्लीनिक वेन के थ्रू, जो कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो होती है सिंपथेटिक फाइबर्स ऑफ कोलिक प्लेक्सस, जो कोलिक प्लेक्सस है उसकी सिंपथेटिक फाइबर्स के द्वारा। तो ये बात हो गई सप्लाई की। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्प्लीन, जो हमारी स्प्लीन है उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है इसका फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मीन्स होता है किसी भी एबनॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करना, तो उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो हमारी स्प्लीन है वो आफ्टर 120 डेज हमारी आरबीसी को किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है, माने फेगोसाइटोसिस करती है। तो ये हो गया उसका फेगोसाइटोसिस फंक्शन। दूसरा हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स को भी फॉर्मेट करने का काम करती है। नेक्स्ट स्टोरेज ऑफ ब्लड, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर हेमरेजिक जब शॉक होता है, तो उस कंडीशन में हमारी स्प्लीन ने जो स्टोर किया हुआ ब्लड है वही काम आता है। तो हमारी स्प्लीन ब्लड को स्टोर करने का भी काम करती है, एज ए ब्लड बैंक ये काम करती है। और अगला आता है इम्यून रेस्पॉन्स। तो जो हमारी स्प्लीन है वो इम्यून रेस्पॉन्स इसलिए वर्क करती है, एक तो उसके अंदर मैक्रोफेजेस होती हैं जो किसी भी एबनॉर्मल बैक्टीरिया वायरस को किल कर देती है, और साथ में ये लिम्फोसाइट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लिम्फोसाइट, क्योंकि ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है और ये लिम्फोसाइट बनाती है। और लिम्फोसाइट का वर्क होता है टू डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल सेल्स एंड बैक्टीरिया वायरस और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ स्प्लीन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही अपने साथियों को जरूर भेजें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। मैं जो रेगुलर वीडियोस, जो रेगुलर लेक्चर्स आपके लिए डाल रहा हूँ वो सभी आपके पास पहुँचें। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।